वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आ गए अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेलों की पैरेलल ग्रुपिंग। तो इस पैरेलल ग्रुपिंग में क्या करते हैं या कैसे बनाते हैं? पैरेलल ग्रुपिंग में जितने भी सेल होते हैं, सभी सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ तथा निगेटिव टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट करके पैरेलल ग्रुपिंग बनाते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग में जो हमारा होता है बैटरी की करंट मतलब बहुत ज़्यादा होता है कम वोल्टता पर ही, और इसकी जो हमारी पैरेलल ग्रुपिंग से प्राप्त बैटरी की धारिता होती है उसमें लगे हुए अलग अलग सेल की धारिता के योग के बराबर होती है। ओके, और इसकी जो वोल्टता होती है बैटरी की वो क्या होती है, एक सेल की वोल्टता के बराबर होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पैरेलल ग्रुपिंग का हम यहाँ पर सर्किट बना के दिखाएंगे। ये हमारा क्या है, यहाँ पर सेल है, ऐसे हमारे चार सेल हैं अलग अलग। आप कई भी बहुत ढेर सारे सेल ले सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे सेल लिए हैं, जैसे हमने सीरीज में लिया था। तो ये हमारे क्या हो गए, ये सेलों की संख्या मान लीजिए m है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसके सभी पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो निगेटिव टर्मिनल रहेगा उसे एक साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट हो गया है, उसके बाद हम इसका निगेटिव टर्मिनल क्या कर रहे हैं, एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट हो गया और इसमें अब बैटरी ये बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक प्रतिरोध लगाएंगे। ये हमारा क्या होगा, प्रतिरोध लग गया है और यहाँ पर एक स्विच लगाएंगे। ओके, और इसमें जो हमारी उच्च करंट फ्लो होगी उसे हमें क्या करना, फाइंड करना। ये मान लेते हैं प्रतिरोध आ रहा है, स्विच यस है, और इसमें जो हमारे सेल लगे हैं उसके EMF क्या हैं, ई है, और ये हमारे सेल सभी सेम है तो ई, और इसका हो जाएगा ई, इसका हो जाएगा ई, इसका हो जाएगा ई, ऐसे हमारे क्या हैं, कितने सेल लगे हुए हैं, m सेल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ME। ओके, जिस प्रकार से हमारे जितने सेल लगे हैं उतने EMF हो जाएंगे। तो इसमें हमारा m क्या है, m है हमारा पैरेलल में जुड़े हुए सेलों के पथों की संख्या। तो ये हमारा जो है पैरेलल में कितने सेल जुड़े हैं उनके पथों की संख्या है, सॉरी ये पथों की संख्या है। और ये हमारा जो यहाँ पर ई है वो हमारा क्या है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, जिसे EMF कहते हैं। ई हमारा क्या है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल है, प्रत्येक सेल का EMF है। और यहाँ पर जो हमारा रहेगा कैपिटल आर रहेगा वो क्या रहेगा, लोड प्रतिरोध रहेगा जो हमारे बैटरी से कनेक्ट है। ये हमारी अब जब हम क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे सभी सेल को तो बैटरी बन जाएगी ना, तो वही क्या रहेगा, लोड प्रतिरोध रहेगा, लोड प्रतिरोध रहेगा और इस ओम मात्रक में। ओके, और ये हमारा जो EMF रहेगा ये वोल्ट मात्रक में रहेगा। तो लोड प्रतिरोध हमारा क्या हो गया, ओम मात्रक में है बैटरी के अक्रॉस जो लगा हुआ लोड प्रतिरोध। और इसमें स्मॉल आर क्या रहेगा, सभी बैटरी का, हमारा जितनी भी बैटरी है उसके आंतरिक प्रतिरोध रहेंगे। ओके, आंतरिक प्रतिरोध ओम मात्रक में। तो हम क्या करेंगे, अब हम करंट फाइंड करेंगे, वो जो हमारी बैटरी के द्वारा उच्च विसर्जन करंट फ्लो हो रही है। तो सबसे पहले अगर हमें करंट फाइंड करना है तो करंट बराबर क्या होता है, ई बाई आर होता है। तो हमें सबसे पहले टोटल इक्विवेलेंट EMF फाइंड करना होगा, उसके बाद टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हम करंट फाइंड कर लेंगे। तो हमें टोटल इक्विवेलेंट EMF कैसे फाइंड करेंगे, हमारी जो बैटरी है उसका क्या होगा, पैरेलल में सभी कनेक्ट है, पैरेलल में सभी कनेक्ट होने के कारण उसका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, हमारे एक सेल के वोल्टेज के बराबर होगा। तो एक सेल का वोल्टेज हमारा कितना है, ई, तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट EMF जो आएगा हमारा इस बैटरी का वो क्या रहेगा, ई रहेगा। ओके, इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, टोटल इक्विवेलेंट, इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा इसमें जो लगा हुआ लोड प्रतिरोध आर वो, और प्लस में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, आंतरिक प्रतिरोध इस सेल का। तो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है। स्मॉल आर सभी क्या है, कितनी बैटरी हैं, m बैटरीज हैं। तो इसमें स्मॉल आर सब क्या है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे 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 करके कितने हो जाएंगे, स्मॉल आर कितनी बार है, m बार, तो m बाई स्मॉल आर। तो इसको जो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सॉल्व होके आएगा m बाई आर आएगा। जब m बाई आर आएगा तो इसे हम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट फाइंड जब करेंगे, अभी 1 बाई आर इक्विवेलेंट है, जब आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो आर बाई एम हो जाएगा, क्योंकि हमारी कितनी बैटरीज हैं,
एम बैटरीज हैं और सभी में आंतरिक प्रतिरोध आर है और सब पैरेलल में है, तो इसीलिए वन बाई आर बटे एम बाई आर करके हमने ऐड किया और ये एम बाई आर क्या हुआ, उलट दिया जब हमने, तो ये हो जाएगा आर ई बराबर आर बाई एम। ओके, तो ये हमारे जितने भी बैटरी हैं सबके इंटरनल प्रतिरोध क्या है, आर बाई एम है, तो ये क्या हो जाता है, हमने आर बाई एम मतलब इस सर्किट के लिए हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड हो गया है। अब हम क्या करेंगे, करंट फाइंड करेंगे, करंट बराबर क्या होगा ईएमएफ बटे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमने क्या किया, लिख दिया, अभी से हम थोड़ा सा एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, ई बाई यहाँ ई के ऊपर एम आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा एम आर प्लस स्मॉल आर। ओके, ये हमारा फार्मूला फाइंड हो जाता है करंट के लिए। तो हम जब करंट के लिए फार्मूला फाइंड हो जाता तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, यहाँ क्या एज्यूम करते हैं कि हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये स्मॉल आर, ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही बड़ा है किससे, लोड प्रतिरोध से। जब लोड प्रतिरोध से स्मॉल हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा है तो हम क्या करते हैं कि इसी इंटरनल रेजिस्टेंस को ही रखते हैं, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम निगलेक्ट कर देते हैं, निगलेक्ट करने का मतलब इसे जीरो कर देते हैं। जब इसे जीरो करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एम ई बाई क्या हो जाएगा आर। इस स्थिति में हमारा जो ये आएगा ई बाई आर रेजिस्टेंस, सॉरी ये करंट है, करंट ई एम गुना आएगा, ई बाई आर क्या हो जाएगा करंट, करंट कितना गुना आएगा, ई एम गुना आएगा, किसके करंट के, एक सेल के करंट के। जब हमारा इसमें लोड प्रतिरोध नहीं रहेगा, लोड प्रतिरोध नहीं रहेगा हमारा जो सेल का करंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, इस वोल्टेज और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज बटे इंटरनल रेजिस्टेंस के अनुपात के बराबर निकलेगा, वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के अनुपात के बराबर। तो यही तो है हमारा वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके अनुपात के मतलब एक सेल का करंट के एम गुना आया, ये जो हमारा क्या रहेगा बैटरी का करंट रहेगा, वो क्या करेगा एक सेल के करंट के एम गुना आएगा, तब जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहेगा बहुत ही बड़ा रहेगा। यहाँ पर ये हमारी क्या होती है दूसरे मतलब एक स्थिति होती है, ये पहली स्थिति हो गई। हम क्या करेंगे दूसरी स्थिति में एज्यूम करेंगे कि हमारा जो कैपिटल आर है वो क्या है, वो बहुत ही बड़ा है। तो जब वो बहुत बड़ा एज्यूम हो जाता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर स्मॉल आर को जीरो रखते हैं। तो जब हम क्या करेंगे यहाँ पर स्मॉल आर को जीरो रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एम ई बटे एम आर, ये हमारा एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ई बाई आर, ई बाई आर क्या हुआ मतलब यहाँ पर जो हमारा अगर सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है तो जितने भी सेल है उनकी वोल्टता ई है और रेजिस्टेंस क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाहर का ही रहेगा, जो लोड प्रतिरोध लगा रहेगा वो बाहर का लोड प्रतिरोध क्या है आर है। तो हम क्या करेंगे ई बाई आर जितना भी करंट आएगा वो क्या रहेगा हमारी बैटरी का करंट रहेगा। इस स्थिति में हमारा क्या होता है जो प्राप्त धारा होता है एक सेल के द्वारा प्राप्त धारा के बराबर होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं इस स्थिति को मतलब समूहीकरण में श्रेष्ठ नहीं मानते जो हमारी पैरेलल ग्रुपिंग होती, क्योंकि एक सेल के द्वारा प्राप्त करंट रहेगा ये, क्योंकि ये जो ईएमएफ है वो एक सेल का है और लोड प्रतिरोध क्या है, वो लोड प्रतिरोध मतलब जब इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो इसी प्रतिरोध के कारण करंट आएगा तो वो क्या होगा एक सेल के करंट के बराबर आएगा, इसीलिए ये वाली स्थिति हमारा क्या है पैरेलल ग्रुपिंग में संभव मतलब अच्छी नहीं है कि हमारा क्या रहे इसका आंतरिक प्रतिरोध एकदम जीरो रहे और हमारा लोड प्रतिरोध अधिक रहे। ओके, ये हमारी कौन सी स्थिति सही है कि आंतरिक प्रतिरोध अधिक होना चाहिए लोड प्रतिरोध कम होना चाहिए, तब उस हमारी जो ग्रुपिंग करेंगे बैटरी बनाने के लिए सेलों की उससे क्या होगी हाई करंट मिलेगी कम वोल्टता पर। ओके, थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पैरेलल और सीरीज ग्रुपिंग दोनों के साथ। ओके।